हे एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम और हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा कौर स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जाम पोल चैनल पे। कैसे हैं आप सभी, एक बार जल्दी से हमारे साथ सभी बच्चे आ जाएंगे। ओके, जितने भी मेरे प्यारे बालक हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आई जस्ट होप सो आप लोग अपनी बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हो। ओके, क्लास को एक बार शेयर करने ना सुजाता, मनीषा, अवि, भानु है लक्स। ओके हाँ, तो यहाँ पे देखो एक बच्चे ने अपना नाम रख रखा है साबुन, ठीक है। तो बेटा साबुन, आप मुझे ये बताओ, आप वो लक्स साबुन, तो आप मुझे बताइए इसके अंदर कौन सा आपका एसिड, मतलब इसके अंदर कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल होगा, सोडियम इस्तेमाल हुआ होगा या फिर पोटेशियम इस्तेमाल हुआ होगा, आप मुझे बताएंगे, जल्दी से बताओ। चलो राम राम भानु, अवि, गुंडे। ओके जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जितने भी मेरे प्यारे छात्र हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चलिए फिर अपने जो है सेक्शन को स्टार्ट करना शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक जो है दैट इज एनिमल क्लासिफिकेशन, कि जब भी हम अपने किस चीज की अपने पशु जगत की बात करते हैं तो पशु जगत में बहुत सारे अलग अलग संघ मिल जाते हैं हमको, बहुत सारे अलग अलग फाइलम्स मिल जाते हैं। तो आज हम उन्हीं फाइलम्स की बात करने वाले हैं और यहाँ पे जितने भी आपके अलग अलग फाइलम्स हैं उनसे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पे अगर आप लोग जो है ऐसे ही अपनी पूरी थ्योरी जो है अच्छे से करना चाहते हो तो आप हमारी हरियाणा की उम्मीद बैच से जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको 799 के अंदर आपको पूरा डिटेल मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे डेली लाइव क्लास, क्लास पीडीएफ, क्विज, करंट अफेयर्स की मैगजीन, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान और जूम डाउट सेशन, ये सब चीजें आपको मिल रहा है। लेकिन कोड ध्यान रखिएगा, कोड कौन सा इस्तेमाल करना है, कोड इस्तेमाल करना है CET60 और उसके माध्यम से आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, आप कहेंगे कि निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय या सपोर्ट से जुड़े होते हैं। मतलब यहाँ पे ना आपको बहुत सारे ज्ञान मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे जीवों का नाम दे रखा है और ये जो जीव है ना इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो गतिशील नहीं है, जिनमें गति नहीं होती है और इसके साथ साथ वो क्या है, उनको ना सपोर्ट के लिए आवश्यकता होती है किसी भी एक ऐसी सुरक्षित जगह की कि अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। तो जल्दी से मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेनेरिया है, समुद्री एनिमोन है, साइकन है या फिर एस्कैरिस है। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करूं तो बेसिकली जो पॉरीफेरा संघ होता है ना, फाइलम पॉरीफेरा, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इमूवेबल ऑर्गेनिजम्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कैसे इमूवेबल ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो जितने भी प्यारे छात्र हैं आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कौन सा इनमें से इमूवेबल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, फटाफट बताओ। जो बच्चा बी आंसर कर रहा है उसका आंसर गलत है, जिसने ए आंसर किया है उसका भी आंसर गलत है। याद करो मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया, पॉरीफेरा संघ, जल्दी से बताओ पॉरीफेरा संघ। जल्दी से बताओ पॉरीफेरा संघ ए ए, चलो ठीक है, आप लोग आंसर गलत ही कर रहे हो, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्लेनेरिया जो होता है ना बेटा, ये चपटाकृति है, इट इज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। और चपटे कृमि जो है, नाम से लग रहा है कृमि है, प्लेनेरिया कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देता है, ठीक है, इस तरीके का एक जीव दिखाई देता है। और यहाँ पे पता है इसका जो मतलब, ये ऐसा लगता है जैसे इसकी आंखें ना भेंगी हो, ऐसा सो दिखता है ये। तो ये जो प्लेनेरिया है ये प्लेटफॉर्म हो गया, चपटा कृमि हो गया, कृमि है तो ये गति कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। गुड आफ्टरनून बच्चा। चलिए तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे देखो समुद्री एनिमोन, जैसे हमारी एक बच्ची ने क्या किया था, बी आंसर किया था समुद्री एनिमोन। तो एनिमोन जो होते हैं ना, एनिमोन एक प्लांट होता है, लेकिन समुद्री एनिमोन क्या है, समुद्री एनिमोन होता है बेटा निडेरिया फाइलम का, संघ निडेरिया से बिलोंग करता है, संघ निडेरिया से बिलोंग करता है, ठीक है। तो समुद्री एनिमोन क्या हो जाता है, संघ निडेरिया का है, तो निडेरिया फैमिली में भी गतिशील हो सकती है वस्तु। अच्छा साइकन, साइकन क्या है बेटा, संघ पॉलीफेरा का होता है। आपने स्पंजेस सुने थे, अच्छा मैंने कभी आपको अगर वो पढ़ाया हो YT पे, कई बार हमने देखा था ऐसा ऐसा एक जीव जिनके बॉडी के ऊपर बहुत सारे छेद होते हैं और यहाँ पे यहाँ से पानी एंटर करता है और इधर से पानी बाहर निकलेगा,
ये क्या था, इसको बोलते हैं साइकन, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, साइकन, और ये स्पॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है, और यही साइकन क्या है आपका, यही साइकन है आपका पॉलीफेरा संघ का। तो आंसर क्या हो गया बेटा, आंसर हो जाता है बच्चा साइकन इसका। और एस्कैरिस क्या है, ये होते हैं गोल कृमि, ये क्या है गोल कृमि, जो गोल कीड़े होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो कीड़े भी क्या है अपनी जगह फिक्स होते हैं, ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट चले, दूसरा क्वेश्चन देखिए, डैश श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण करने वाले अंगों से रहित होते हैं, मतलब इनमें से ऐसे कौन से जीव हैं जिनके पास ना तो श्वसन तंत्र है, ना ही उनके पास उत्सर्जन तंत्र है, ना ही उनके पास परिसंचरण तंत्र है, तो क्या आंसर करोगे क्रिकेट पवन, जल्दी से बताओ बेटा क्या आंसर करोगे, जल्दी से बताओ। स्पंज हो गया, टेप वॉर्म हो गया, थ्रेड वॉर्म हो गया, लीवर फ्लूक हो गया, अगर मैं इन सब की बात करूं, ये सब क्या है, कृमि है, और कृमि के पास ये सब तंत्र हमको मिलेंगे, ठीक है, लेकिन साइकन जो होते हैं, स्पंजेस जो होते हैं, इनके पास, पता है आपको, स्पंजेस जो होते हैं ये सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल्यूलर सिस्टम मिलेगा या सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, ठीक है, और ये जो सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, कोशिकीय स्तर संगठन की जब मैं बात करती हूँ स्पंजेस में, तो हम लोग क्या कहते हैं कि भैया सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जीवों को देखते हैं कि ये सेल से टिश्यू नहीं बना सकते, और अगर ये टिश्यू नहीं बनाएंगे तो सिस्टम कहाँ से बनेगा, क्योंकि सिस्टम बनाने के लिए अंगों की आवश्यकता होती है, इस वजह से स्पंज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। रीजन अगर पता होगा ना क्या इसका रीजन है, तो आपको चीजें समझने में आसानी होगी, ठीक है, आप वहां पे क्वेश्चन सही मार्क करके आओगे, ठीक बेटा। नेक्स्ट देखिए, ओके मिस्टर सोल्जर, चलो जल्दी से बताइए थर्ड क्वेश्चन का आंसर, जीव विज्ञान में स्पंज क्या है, तो देखो अभी मैं दो क्वेश्चन करा चुकी हूँ ऑलरेडी स्पंज किया, तो आप तीसरा क्वेश्चन गलत मत करना, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में, जल्दी से बताइए, एक फंगस है, एक फॉसिल है, एक प्लांट है, या एक एनिमल है, तो आप क्या कहेंगे कि मैडम, कि मैडम ये जो हमारा स्पंज होता है ये क्या है, ये एक प्रकार का पशु हो जाता है, जो हमारे संघ पॉरीफेरा से संबंधित होता है, किससे संबंधित है बच्चा, संघ पॉरीफेरा से संबंधित होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अच्छा आपको पता है कई बार ना स्पंजेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस फ्लावर बास्केट, तो ये जो वीनस फ्लावर बास्केट है ये आपको कहाँ पे मिलेगी, या फिर अगर मैं इसकी बात करती हूँ ये क्या रहेगा, तो आप क्या कह देंगे, मैम वीनस फ्लावर बास्केट भी एक प्रकार का स्पंज होता है, जापान में ना इसको 90 भाई जोड़ों को गिफ्ट किया जाता है, ठीक है, अच्छा ये बहुत ही सुंदर सा व्हाइट कलर का साइकन जैसा स्ट्रक्चर दिखता है हमको इसका। अच्छा अब नेक्स्ट देखिएगा, क्या एक और क्वेश्चन जो स्पंज से बन सकता है वो क्या है, कि कॉलर सेल किस जीव की विशिष्टता है, क्या कॉलर सेल्स, कॉलर सेल्स, कॉलर सेल्स जो होते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे साइकन बनाया था, उस साइकन के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ छेद है ना, तो इन छेदों के अंदर एक्चुअल में यहाँ पे कॉलर सेल्स मिलते हैं, जो कॉलर सेल्स में बाहर से पानी एंटर करेगा और फिर वो अंदर से बाहर ऐसे निकलता है, तो इसका उत्सर्जन हुआ, इसका रेस्पिरेशन हुआ, सब इसी साइकन सेल्स के माध्यम से होता है, पानी ऐसे एंटर करेगा उसी के थ्रू उत्सर्जन रेस्पिरेशन सब होने वाला है, ठीक है बेटे। तो कॉलर सेल्स किसके किसके अंदर स्पेशली पाए जाते हैं और किसी के अंदर नहीं मिलते हैं, तो कहना कि मैडम स्पॉन्जेस के अंदर कॉलर सेल्स पाए जाते हैं। अच्छा कैनाल विद इन कैनाल सिस्टम किसको कहा जाता है, कैनाल विद इन कैनाल सिस्टम किसको कहा जाता है, तब भी आप आंसर कर देंगे स्पॉन्जेस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप या फिर हाँ साबुन नहीं है ये, ठीक है, कहीं तो बेचारे लक्स को पकड़ लो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या है कि जो है खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप यानी कि नखरे होता है, को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। अब भाई देखो अपने पास है एक सिप्पी, ठीक है, अपने पास है एक सीप, और इस सीप के अंदर क्या होगा, इस सीप के अंदर आपका क्या मिलेगा, इस सीप के अंदर यहाँ पे मोती। अब ये जो मोती बन रहा है ना वो बहुत सारे लेयर्स से बनता है, तो एक्चुअल में सीप के अंदर ना एक द्रव बनता है, एक पदार्थ बन रहा होता है, और उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ को हम नेक्रे कहते हैं, क्या कहते हैं, नेक्रे कहते हैं, बहुत ही शाइनी सा पदार्थ होता है ये, जिसकी वजह से एक्चुअल में जो मोती है ना उसके ऊपर शाइनी लेयर्स डेवलप होती चली जाती है,
इसी को हम क्या कहते हैं, मदर ऑफ ऑल कहते हैं। देखो सिंपल सी चीज है ना, जैसे हम हैं, हम अपनी माता के गर्भ से पैदा हुए, इसी तरीके से ये जो आपका सीप है, सीप के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है या एक पदार्थ भरा हुआ है, फ्लूइड नहीं बोलूंगी, पदार्थ होता है, फ्लूइड नहीं होता, वो पदार्थ होता है, ठीक है, थोड़ा ठोस सा पदार्थ, मतलब ना तो पूरी तरह से फ्लूइड है ना ही पूरी तरह से ठोस होता है, ठीक है। तो वो जो पार्ट है ना उसको हम क्या कहते हैं, वो ही है मदर ऑफ पर्ल, क्योंकि उसी के अंदर से हमारे लिए क्या निकलता है, उसी के अंदर से हमारे लिए मोती निकलता है, इसीलिए हम उसको मदर ऑफ पर्ल कहते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो कि एक जो मोती है, इस मोती के अंदर तीन लेयर्स हमको देखने को मिलती है। सबसे पहले, सबसे बाहर ये जो इसकी चमकदार लेयर दिख रही है ना मोती की, तो ये जो चमकदार लेयर है मोती की, ये किस चीज की बनी है, ये बनी है किस चीज की, नेकरे की, ठीक है, वही मदर ऑफ पर्ल की। तो मदर ऑफ पर्ल जो होता है ये आर्गोनाइट के क्रिस्टल्स होते हैं, ये आर्गोनाइट होता है जो एक्चुअल में शाइनी सरफेस देता है। फिर इसके बाद ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है, ये अंदर वाला स्ट्रक्चर जो है कॉन्क्यूलन होता है। ये कॉन्क्यूलन क्या होता है कि भैया ये कॉन्शियस जो आपके सीप है ना, उस सीप का पार्ट है। तो सीप के पार्ट में आपको बेसिकली कैल्शियम आदि मिलेगा और प्रोटीन की लेयर्स मिलती है। यहाँ पे क्या मिलती है, प्रोटीन की लेयर्स मिलती है। और उसके बाद यहाँ अंदर की तरफ आपका क्या मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है। क्या मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है। चलिए तो ये खैर काफी ज्यादा डेप्थ में बता दिया मैंने आपको चीजें, लेकिन ये मदर ऑफ पर्ल या फिर नेकरे के बारे में ध्यान रखिएगा, आगे पेपर में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है, ठीक है। ध्यान रखोगे, नेकरे पूछा जाएगा बेटा, आर्गोनाइट नहीं पूछा जाएगा आपके लिए, ठीक है, एरागोनाइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है, बताइए किसके अंदर दो लेयर्स पाई जाती है। जैसे कि आप जानते हैं, ज्यादातर जीव जो होते हैं ना वो क्या है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स के बने होते हैं। कितने, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स के बने होते हैं। तो अब आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा जो है टू लेयर्स ऑफ सेल्स से बना होता है। क्या ये मेरे को लिखने की आवश्यकता नहीं थी, जल्दी से बताइए कौन से टू लेयर्स ऑफ सेल्स से बना होता है, लीवर फ्लूक है, प्लेनेरिया है, टेपवॉर्म है या फिर हाइड्रा है। जल्दी से बताइए किसमें टू लेयर्स पाई जाती है। टू लेयर्स कौन से बेटा, सीलोमेट्स, असीलोमेट्स, याद है ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। आज क्वेश्चन काफी टफ हैं, काफी सारे बच्चे आज यहाँ से भगते चले जाएंगे। हाइड्रा हाइड्रा हाइड्रा, ठीक है। सिलेंट्रेटा में भी टू लेयर मिलती है। हाँ बेटा, तो ये किस में है, ये सिलेंट्रेटा है। क्या कहोगे कि मैडम देखिए, लीवर फ्लूक हुआ, प्लेनेरिया हुआ, टेपफॉर्म हुआ, ये सब ये प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म कैसे होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसके अंदर आपको तीन लेयर्स मिलेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं स्पंजेस की बात करती हूँ, तो स्पंजेस होते हैं असीलोमेट्स, ठीक है, उनके अंदर आपको दो ही लेयर्स मिलने वाली है और उसमें सीलम प्रेजेंट नहीं होता है, खाली अंदर जगह नहीं प्रेजेंट होती है। तो यहाँ ये जो हाइड्रा हो जाता है, यहाँ ये जो हाइड्रा हो जाता है, ये क्या है, ये आपका एक्चुअल में टू लेयर्स से बना है, डाइप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, डाइप्लोब्लास्टिक लेयर्स का बना है, टू लेयर्स का बना होता है, ध्यान रखोगे। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय, एक हाइड्रा जो है वो किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, जल्दी से बताएंगे हाइड्रा किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, कौन से ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है। फिशन के द्वारा, यानी कि अपने आप को बहुत सारे टुकड़ों में बांट लेता है, मल्टीपल फिशन द्वारा, यानी कि अच्छा फिशन ये बाइनरी, अच्छा फिशन मतलब विखंडन कर लेगा, पता नहीं कितने टुकड़ों में करेगा, मल्टीपल फिशन में बहुत सारे टुकड़े कर लेता है, बडिंग के अंदर मुकुलन होता है, बड बन जाता है, और बाइनरी फिशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे दो टुकड़े बट जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, यहाँ पे दो टुकड़े बट जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
बेटा पहली चीज, हाइड्रा स्ट्रक्चर होता कैसा होगा? दिस इज हाइड्रा, ठीक है। इस हाइड्रा में ये जो आपका हाइड्रा का नीचे बेस है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक और हाइड्रा डेवलप होता है, ठीक है, यानी कि ये इसका बड बना। और फिर जब ये हाइड्रा थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, तब ये बड डिटैच हो जाता है, एक नए हाइड्रा के रूप में काम करने लगता है। क्या? एक नए हाइड्रा के रूप में काम करने लगता है। तो ये हाइड्रा क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रा है यह मुकुलन के द्वारा यानी कि बडिंग के द्वारा ये काम करता है। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे लेकिन मैडम मान लीजिए कोई एक शार्क आई, जब वो यहां से जा रही थी तो ये हाइड्रा जो है ये कट गया, इसके दो पार्ट हो गए, ठीक है, हाइड्रा के फिन से। तो आप ये बताइए कि क्या ये जो हाइड्रा है नीचे वाला ये रीग्रो कर जाता है? तो यस। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका मेजर जो तरीका है रिप्रोडक्शन का वो तो मुकुलन है, लेकिन कुछ कुछ बार क्या होता है कि ये जो हाइड्रा है अगर ये कट जाता है तो ये रीजनरेशन भी कर सकता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है कि खुद को रिप्रोड्यूस बहुत आसानी से कर लेता है। तो इसलिए दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती, ये दोनों ही चीजें क्या है बेटा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वाला क्वेश्चन ना पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि हाइड्रा किस माध्यम से रिप्रोड्यूस करता है, तो रिप्रोडक्शन का तरीका उसके पास बडिंग होता है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रा स्टारफिश एंड प्लेनेरिया आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हाइड्रा स्टारफिश और प्लेनेरिया निम्न में से किस माध्यम से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? अब यहाँ पे कुछ बच्चे करेंगे आंसर गलत। लेट मी चेक इट आउट, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और मैंने जो पीछे दो स्टेटमेंट्स बताई हैं, दो चीजें बताई हैं, उसके ऊपर अच्छे से अमल करेंगे और सही आंसर देंगे। पीछे जब मैंने डिस्कस किया था उसमें दो स्टेटमेंट बोली थी, दो में से एक स्टेटमेंट इसका आंसर है। देखिए चलिए, चलो जल्दी से बताओ। डीडीडी, रीजनरेशन, रीजनरेशन, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो हाइड्रा की मैं बात करती हूँ, हमने देखा कि ये दो तरीके से बडिंग से और रीजनरेशन से अपने आप को क्या कर सकता है, पुनर्विकसित कर सकता है। स्टारफिश जो होती है उसके अंदर भी क्या होगा, रीजनरेशन। प्लेनेरिया जो होता है ये मेजर इसका रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है, अपने आप को फिजन कर लेता है, अपने खुद का विखंडन कर लेता है। लेकिन 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 इसका अगर इसको आप काट दोगे तो ये फिर से खुद को रिक्रिएट कर सकता है। तो इन तीनों का जो कॉमन माध्यम है वो रीजनरेशन है। तो सभी बच्चे एक बार तालियां आप लोगों के लिए, सच्ची में आप सबों ने दिल खुश कर दिया अपनी मैम का और बिल्कुल सही उत्तर दिया है, वेरी गुड। क्लैपिंग्स टू ऑल ऑफ यू या क्लैपिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, सॉरी फॉर माई प्रपोजिशन मिस्टेक। चलिए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, जल्दी से बताइए कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, आपको ये आंसर करना है। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना कि अभी जैसे खैर मैंने तो प्रपोजिशन की मिस्टेक कर दी, लेकिन आप लोग प्रपोजिशन की मिस्टेक ना करो या कोई भी इस तरीके की मिस्टेक ना करो। इस चीज के लिए अनिल सर आप लोगों के लिए इंग्लिश स्पेशल बैच लेके आए हैं जिसके अंदर आप SSC हरियाणा और अदर सभी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस चलेगी, क्लास पीडीएफ मिलेगी, वोकैब की पीडीएफ मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे जिसको हम DPP कहते हैं, मॉक टेस्ट मिलेगा और डाउट सेशंस मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप बोलें तो आपको अनिल 50 कोड आपका मिल जाएगा। अनिल 50 कोड के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इस बैच को ले सकते हैं, ठीक है, और मिलेगा आपको फिर ये 50% के डिस्काउंट पे 599 में आपको बैच मिल जाएगा। तो सभी बच्चे ध्यान रखना कि अगर अंग्रेजी करनी है बढ़िया तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा ट्रिप्लोप्लास्टिक नहीं है? तो आप क्या कहोगे, मैम देखो तीन लेयर्स होती है, अंदर गट है, गट के आसपास क्या है, ये है एंडोडर्म, ये हो जाती है मीजोडर्म और फिर हो जाती है एक्टोडर्म, ठीक है। तो ये जो तीन आपकी लेयर्स हैं, इन तीन लेयर्स में से अगर तीनों के पास, अगर किसी के पास तीन लेयर्स होती है तो उसको हम ट्रिप्लोप्लास्टिक बोलते हैं। जैसे एस्कैरिस क्या है, गोल क्रीमी है, अर्थवर्म आपका एनालिडा है और प्लेनेरिया आपका चपटा क्रीमी है, ये तीनों ही आपके क्या होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। लेकिन जो जेली फिश है बेटा वो क्या है, वो तो आपकी निडेरिया फैमिली की है, ठीक है, या फिर
सिलेंट्रेटा फैमिली भी बोल देते हैं इसको। तो ये सिलेंट्रेटा फैमिली की, और सिलेंट्रेटा फैमिली तो डाइप्लोब्लास्टिक होती है। कैसी होती है बेटे? डाइप्लोब्लास्टिक लेयर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस वजह से जो जेलीफिश है वो क्या हो जाती है, उसमें मीजोडर्म नहीं पाई जाती। उसमें क्या होगा, सिर्फ ये जेलीफिश है उसमें ये गट होगा, गट के आसपास मीडोडर्म, ये हो गया गट, ये हो गया एंडोडर्म और ये हो गया एक्टोडर्म। बस ये तीन लेयर्स हमें इसके अंदर मिलती है। ठीक बेटे, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जानवरों के किस फाइलम को फ्लैटवर्म भी कहा जाता है? चलो जल्दी से बताओ, चपटा कृमि किसको कहते हैं? सिलेंट्रेटा को, सिलेंट्रेटा को, निमोटोडा को, पॉलीफेरा को या फिर प्लेटीहेलमिंथस को। सिलेंट्रेटा को आप निडेरिया भी कह देते हो, निडेरिया भी कह देते हो। निमाटोडा जो होता है, निमाटोडा, नेमाट शब्द जो है ना, ये वर्ड गोल को दर्शाता है, तो नेमाटोडा क्या हो जाता है, गोल कृमि हो जाता है। पॉरीफेरा को आप स्पंजेस भी बोलते हो, ठीक है, और प्लेटीहेलमिंथस को आप फ्लैटवर्म्स भी बोलते हो, प्लेटीहेलमिंथस को आप फ्लैटवर्म्स भी बोलते हो। नाम से ही देखो, प्लेट जैसा कीड़ा, प्लेटी का मतलब फ्लैट, जैसा हेलमिंथिस का मतलब कीड़ा, तो ये क्या हो जाता है, फ्लैट वर्म हो जाता है। अच्छा पेपर में क्या पूछा है यहाँ पे, फ्लैट वर्म कौन सा है, तो प्लेटी हेलमिंथिस आंसर हो जाता है। अगर आपसे पूछता क्या, अगर आपसे पूछता राउंड वर्म, अगर आपसे राउंड वर्म पूछता, ठीक है, गोल कृमि पूछता, तो आप इसका आंसर कर देते हैं, आप निमेटोडा आंसर कर देते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं और वो है एस्क हेलमिंथिस, एस्क हेलमिंथिस, ठीक है, क्या एस्क हेलमिंथिस हो जाएगा। ठीक है बेटे, ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं और वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है? अच्छा आपको पता है क्या, ये मैंने कहीं से क्वेश्चंस वो करे हैं, यस, ये क्वेश्चंस जो है आपके कुछ सेवरल सिलेक्टेड एग्जाम्स में पूछे गए थे, ठीक है। तो ये मान के चलना कि इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी एग्जाम में पूछा ना गया हो, या आपके 12th स्टैंडर्ड तक के एग्जाम्स जो होते हैं, मतलब जिसके अंदर बोलते हैं कि भैया हम 10वीं तक का पेपर पूछेंगे लेकिन पूछ लेते हैं 12वीं तक का बायो में, ठीक है, तो ये उसी एग्जाम में से लिए गए आपके कुछ प्रश्न है। तो सभी बच्चे ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाते हैं। चलिए, क्या आंसर हो जाएगा, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिएगा कि ये जो प्लेनेरिया होता है, मैंने कहा था ना स्क्विंट दिखता है, ऐसा लगता है कि जो भेंगा हो ये, तो एक्चुअल में क्या है, अगर आप इस प्लेनेरिया की बात करते हो तो ये प्लेनेरिया की आई स्पॉट है, ठीक है, ये क्या है, प्लेनेरिया का आई स्पॉट है बेटे। और अगर हम देखें ना, यहाँ पे इसका एक गैंगलिया होता है, गैंगलिया का मतलब है कि एक तंत्रिकाओं का गुच्छा होता है जो इसके ब्रेन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, और इसके वजह से क्या होगा, इसी आई स्पॉट की वजह से, ये बहुत छोटा सा इलाका है जहां पे बस लाइट आती है और उसके माध्यम से इसको सब कुछ दिखाई देता है। अच्छा, क्या इसके पास कॉर्न या रॉड सेल्स मिलेंगे? तो आप कहोगे मैम जब इसके देखने के लिए बहुत ही छोटा सा इलाका ही है बस, तो इसके कॉर्न और रॉड सेल्स कहाँ से होंगे, है ना। तो आपको पता है ये जो प्लेनेरिया है ना, इसको सब कुछ ग्रे दिखता है, आप इसके सामने कितना मर्जी लाल रंग का कपड़ा पहन जाओ, इसके सामने कितना मर्जी आप हरा नीला कोई भी कपड़ा पहन लीजिए, इसको सब ग्रे दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्लेनेरिया इसका सटीक आंसर हो जाता है। क्या आंसर हो जाएगा बेटे, प्लेनेरिया इसका सटीक आंसर हो जाता है। अच्छा आपको पता है इसका मुंह कहाँ है, तो ये इसका ऊपरी भाग है, ये इसका निचला भाग है, और ये इसके पीछ है, वो टेल है, इसकी पूंछ है, पूंछ के काफी नजदीक इसका क्या होता है, मुंह होता है। तो ये निचला भाग में इसको क्या मिल रहा है आपको, इसका मुंह मिल रहा है, मुख मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा एक एंडो पैरासाइट है? एंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट क्या होते हैं बेटे? तो ऐसे जितने भी जीव जो आपके, जो मतलब किसी भी चीज के ऊपर चिपक गए और वहां से वो अपना पोषण छीन रहे हैं, ठीक है, बिना उस जीव को मारे, उनको हम एक्टो पैरासाइट कहते हैं। और जो उस जीव के शरीर के अंदर घुस जाए, ठीक है, जैसे एक कीड़ा है इनमें से, और वो कीड़ा क्या करता है, हमारे पेट के आंतों, मतलब हमारे शरीर के आंतों में रहता है, हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है, तो ऐसे जीव को क्या बोलेंगे, एंडो पैरासाइट, कि वहां से वो पोषण छीन छीन के खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फीता कृमि शरीर की जो किलनी, किलनी या इसको चिचड़ी भी बोलते हैं, पता नहीं आप क्या क्या बोलते होंगे, मतलब टिक्स ध्यान रखिएगा कि टिक्स हो गया ये। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, सिर की जू,
अब देखो जू हुआ, त्वचा पे पाए जाने वाले कीड़े हुए, मतलब वो जो खून पीते हैं वो हो गए, और आप चाहे स्किन के जू पूछ लीजिए, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी के सभी जो हैं शरीर के ऊपर से खाएंगे। लेकिन जो टेप वर्म है, लेकिन जो फीता कृमि है, ये आपकी आंत में रहता है, आपकी इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, अंदर से खोखला करना स्टार्ट करता है, ये अंदर से पोषण छीनना स्टार्ट करता है, खोखला नहीं पोषण छीनना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि टेप वर्म्स जो होते हैं वो आपके शरीर के आंतों में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टेप वर्म फाइलम डैश से संबंधित है। टेप वर्म बिलोंग्स टू द फाइलम डैश एस्केलमिंथिस, एनेलिडा, प्लैटिनमिंथिस या फिर नेमाटोडा, कौन से संघ से संबंधित होते हैं? मम्मा बोलती है टेप वॉर्म मत खा, टेप वॉर्म हो जाएंगे, मिट्टी मत खा मंशु, बिल्कुल सही बात है। वैसे टेप वॉर्म नहीं होते हैं, जो नेमाटोड्स होते हैं ना वो आपके शरीर में एंटर करते हैं मिट्टी के माध्यम से ज्यादातर के। चलिए तो यहाँ देखो आंसर क्या हो जाएगा, मैम प्लेट जैसे कीड़े कौन है, वही तो फ्लैट वॉर्म है, तो प्लैटिलमिंथिस इसका सही आंसर हो जाता है। एस्केलमिंथिस और नेमाटोडा सेम है। एनालिडा की बात करते हैं तो एनालिड्स में क्या होता है, इनके शरीर के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे से खंड मिलते हैं, क्या मिलते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से खंड मिलते हैं, तो इनको हम एनालिड्स कह देते हैं। क्या कह देते बेटे, एनालिड्स कह देते हैं इनको, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चीज देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज द कॉमन नेम ऑफ एस्कैरिस। बताइए एस्कैरिस जो होते हैं उनको हम, मतलब एस्कैरिस एक प्रकार का कीड़ा है और ये जो है ना हमारे शरीर के अंदर एस्कैरियासिस नामक रोग कर देता है। तो अब आप हमको बताइए जो एस्कैरिस है इसको हम आमतौर पर किस रूप में जानते हैं, पिन वॉर्म, अर्थ वॉर्म, राउंड वॉर्म या टेप वॉर्म, जल्दी से बताइए एस्कैरिस को किस नाम से जाना जाता है। सेगमेंट्स होते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया रिजवान भानु, ओके। ए भैया यहाँ ना भानु ही भानु हो रखी है, इतने भानु, हर बंदा भानु को याद कर रहा है, मोस्ट पॉपुलर बंदा हो गया भाई ये तो। चलो ओके, बबली वेरी गुड, रिजवान वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर, काजल हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आंसर क्या हो जाएगा कि मैम देखिए एस्कैरिस जो होता है ना गोल क्रीमी होता है जिसके कारण एस्कैरियासिस रोग हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही गुंडे, बिल्कुल सही आंसर बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, जोंक किस संघ से संबंधित है। जब हम जोंक की बात करते हैं तो जोंक जो क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीच बोल देते हैं, तो ये क्या है, ये सैंग्विबोरस होती है। अच्छा देखो हमने जितने जीव का नाम लिया ना, जैसे लीक हो गई, लाइस हो गई, ठीक है, जू हो गई, ये सब क्या है, ये सब आपके सैंग्विबोरस होते हैं। सैंग्विबोरस का मतलब क्या है कि ये भैया रक्त भक्षी होते हैं या रक्त पोषी होते हैं, ये रक्त से अपना पोषण ग्रहण करते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे बात आ जाती है क्या कि मैम ये जो लीच है इसके शख्स इसके शरीर के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे ऐसे से खंड हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसके शरीर के ऊपर ऐसे ऐसे खंड हमें देखने को मिलते हैं। तो ये लीच क्या हो जाती है, ये लीच हो जाती है मैडम एक एनेलिडा, क्या एनेलिडा संघ से संबंधित है। अच्छा प्लेटवॉर्म इसका एग्जांपल, प्लेनेरिया हो गया, ल्यूक लीवर फ्लूक हो गया, वो सब इसके एग्जांपल हो जाते हैं। मोलस्क का एग्जाम्पल क्या हो जाता है, तो मोलस्क के एग्जाम्पल में ध्यान रखना एप्पल स्नेल, ठीक है, घोंघा यानी कि स्नेल, इसके अलावा मोलस्क में आ जाता है ऑक्टोपस, पर्ल, ऑयस्टर, वो सब इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या आ जाता है कि एनालिडा वर्ग से संबंधित इनमें से कौन नहीं है, बताइए इनमें से कौन एनालिडा से संबंधित नहीं है, जल्दी से बताइए इनमें से कौन एनालिडा से संबंधित नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, चीकू ओके, पंजाब, पवन, रिजवान, संधु ने पढ़ना नहीं है आज, काजल, योगिता, पंकु, सोनिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छे। चलिए सभी बच्चे एकदम सही आंसर कर रहे हैं। मैम नैरिस की बात कर लीजिए आप, लीच की बात कर लीजिए, अर्थवॉर्म की बात कर लीजिए, ये सभी आपके एनालिड फैमिली से है, लेकिन जो एस्कैरिस है ये एनालिड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, इनमें से कौन सा बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, कोरल हो जाता है, हाइड्रा है, स्पंज है या फिर एनालिडा है, इनमें से कौन बडिंग के माध्यम से रिप्रोड्यूस नहीं करता। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बहुत ही ज्यादा छोटे जीव होते हैं
यानी कि जिनका सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं है, ऐसे जीव जो हैं, जैसे जैसे आपके पॉरीफेरा संघ के जीव हो गए, जैसे आपके निडेरिया संघ के जीव हो जाते हैं, तो ये क्या है, ये सब जो है बडिंग के माध्यम से रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर मैं एनालिट्स की बात करूं, ये अच्छे खासे डेवलप्ड होते हैं और इनके अंदर हमको कुछ हद तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें यहाँ देखने को मिलता है? बाकी ये जितने भी हैं, ये क्या है, ये बडिंग यानी कि मुकुलन के माध्यम से रिप्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है त्वचीय श्वसन डैश होता है, बताइए त्वचा का श्वसन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज डैश पक्षियों में होता है, इंसानों में होता है, केचुए में होता है, मछली में? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता क्या है? जो जीव अपनी त्वचा से सांस ले पाते हैं उनको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे मेंढक जो होता है वो क्या कर सकता है, अपनी त्वचा से सांस ले सकता है, तो उसके अंदर जो है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो सकता है, या फिर अगर मैं बात करूं डर्मी रेस्पिरेशन हो सकता है। अच्छा, अब ये जो आपका अर्थवॉर्म होता है, इस अर्थवॉर्म में पता है एक मॉइस्ट स्ट्रक्चर होता है, एक मॉइस्ट पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। तो उस क्यूटिकल के माध्यम से वो क्या करता है, सांस लेता है, इसीलिए हम इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की चीज में या सेक्शन में डाल देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन आपको केचुए के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर मिलेगा बेटे, केचुए के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी नमी युक्त त्वचा होती है, ध्यान रखिएगा, कैसी त्वचा है, नमी युक्त त्वचा है। अच्छा, ये अपना खाना जो चबाता है, खाना चबाने के लिए खाना, अब इसका खाना क्या है, मिट्टी, मिट्टी या पत्थर आदि, तो मिट्टी या पत्थर को चबाने के लिए इसके पास क्या होता है, चबाने के लिए गिजर्ड नामक पदार्थ होता है। क्या होता है बेटे, गिजर्ड नामक पदार्थ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक बेटे। चलिए नेक्स्ट देखो, कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं, जो इंसेक्ट्स है वो कैसे सांस लेते हैं, एक बार मैं सभी बच्चों को वार्निंग दे रही हूँ जो यहाँ पे बातें करने में बिजी हैं, आज मैं टाइम आउट नहीं कराऊंगी, आज मैं सीधा ब्लॉक कर, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ मेरे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बच्चों, उन बच्चों का मुझे आंसर नहीं दिख पा रहा है आप लोगों के कॉमेंट्स की वजह से, जो बेमतलब के कॉमेंट्स है, जिनका पता है आप लोग ना ऐसे बच्चे हो जो क्या कर रहे हैं, जो खुद नहीं पढ़ रहे हैं और जो शायद वो पढ़ने के मकसद से आए थे, उनको भी आपने अपनी बातों में उलझा लिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो भी चीज काम की नहीं होती उसकी तरफ हमारा दिमाग ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो वो ही काम आप कर रहे हो और बाकी बच्चों को भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आई एम गिविंग यू वार्निंग, जो भी बेमतलब की बातें करता हुआ बालक हमको दिखाई दिया वो सीधा यहाँ से ब्लॉक होगा, ठीक है। आप अगर नहीं, आपको कुछ भी करना है तो पढ़ना नहीं है तो बेटा मत रहिए आप किस क्लास में, मैं कम बच्चों को पढ़ा लूंगी, दैट वुड सेटिस्फाई मी कि हाँ पढ़ने वाले बालक थे। चलिए, जो कीड़े होते हैं जैसे कॉकरोच हो गया, ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी ग्रास हॉपर हो गया, कोई भी कीड़ा हो गया, टिड्डी हो गया, ठीक, ये सब चीजें क्या है, इनके त्वचा के ऊपर क्या होते हैं, जैसे हमारे पास ये नुखने हैं ना, ऐसे इनके पास क्या होते हैं, स्पेरेकल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटे, स्पेरेकल्स होते हैं, और ये जो स्पेरेकल्स हैं, ये जो श्वास छिद्र है, ये क्या करते हैं, ये इन कीड़ों को सांस लेने में सहायक होते हैं, ठीक है। क्या, सांस लेने में सहायक होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा कि मैम जो कीड़े हैं वो स्पिरकल्स के माध्यम से सांस लेते हैं, लेकिन इनका सांस लेने का जो सिस्टम है उसको हम ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। क्या है, इनके पास ट्रैकियल सिस्टम होता है सांस लेने के लिए, कौन सा सिस्टम बेटे, ट्रैकियल सिस्टम होता है इनके पास सांस लेने के लिए, इनके पास लंग्स आदि नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पादपों के समूह को में विभाजित किया जाता है, ठीक है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है, प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑप्शंस, आर्थ्रोपोडा, थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा, ए ए ए ए, ठीक है, बहुत बढ़िया। आर्थ्रोपोडा जो होता है बच्चा, यह क्या है, यह एक एनिमल किंगडम का भाग है, ठीक है। थैलोफाइटा कौन होते हैं, जिसमें जड़, तना, पत्ती आप अलग अलग क्लासिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर जड़, तना, पत्ती आप अलग अलग क्लासिफाई नहीं कर सकते हो। एंजियोस्पर्म्स की जब हम बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं या आवृत बीजी जो होते हैं, ये इनमें फल फूल दोनों आते हैं, जड़, तना, पत्ती आप आसानी से विभेदित कर सकते हो, और इसके साथ साथ ये जो आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनमें बीज जो होता है वो कवर्ड होता है,
इधर अगर हम नग्न बीजी की बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि मैम इनके पास जो बीज होते हैं वो अनकवर्ड होते हैं, इस वजह से इनके पास फूल फल नहीं आते हैं, फूल नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, आर्थ्रोपोडा कौन होते हैं? तो आर्थ्रो का मतलब होता है बेटा जॉइंट, पोडा का मतलब है पैर, तो जिनके जॉइंटेड हाथ पैर होते हैं उनको हम आर्थ्रोपोडा कह देते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं बेटे? आर्थ्रोपोडा कह देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इन विच ऑफ द दीज फाइला एनिमल्स, ओके, इन विच ऑफ दीज फाइला ऑफ एनिमल्स देयर लेग्स आर जॉइंटेड, ओके, इनमें से कौन से ऐसे जीव है जिनके जो लेग्स होते हैं, जिनके जो पैर हैं या हाथ है उनपे जोड़ पाया जाता है? नेमाटोडा, एकाइनोडर्मेटा, एनेलिडा या फिर आर्थ्रोपोडा? क्या आंसर कर देंगे आप? कहेंगे कि मैडम ये जो हमारे जीव हैं जिनके जो हाथ पैर हैं वो जॉइंटेड मिलते हैं वो हैं आर्थ्रोपोडा। अच्छा, नेमाटोडा, गोल्ड फ्ली भी बहुत हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। एनालिडा, जिनके खंडी भवन पाए जाते हैं, सेक्शंस पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेट कौन होते हैं? इकाइनो का मतलब है कांटे, ठीक है, डर्मैट का मतलब है स्किन, तो जिनकी स्किन के ऊपर कांटे मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इकाइनो डर्मैट कह देते हैं। जिनकी स्किन के ऊपर कांटे होते हैं उनको हम इकाइनो डर्मैट कह देते हैं। जैसे स्टार फिश, स्टार फिश कौन है बेटा? ये इकाइनो डर्मैट हो जाती है, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखिए, घरेलू मक्खी का जैव जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए, बायोलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई, जल्दी से बताएंगे हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या हो जाता है? अच्छा, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, यदि आप हरियाणा के जो पीजीटी एग्जाम्स अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप उमंग बैच से जुड़ सकते हैं, जहां पे पीजीटी की म्यूजिक, इंग्लिश, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स और हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, और 2499 में आपको ये चीजें मिल जाएंगी, क्लासेस मिल जाएंगी, अगर आप पीजीटी 50 कोड को अप्लाई करते हैं। और अगर आप लोग जो है पीजीडी 50 कोड को अगेन अप्लाई करते हैं तो आपको वीडियो ऑन डिमांड कोर्सेज मिल सकते हैं पॉल साइंस, कॉमर्स, हिंदी और बायोलॉजी के, जिसमें आपका जो कोर्स मिलेगा वो आपको मिलेगा 1799 का। ठीक है, इसके साथ साथ हरियाणा सीईटी के लिए आप क्या कर सकते हो? ग्रुप डी के लिए आप उम्मीद बैच से जुड़ सकते हो, जहां पे आप लोगों के लिए डेली लाइव क्लासेस चलाई जा रही है। ठीक है, क्लास पीडीएफ मिल रही है, क्विज मिल रही है, करंट अफेयर्स की मैगजीन मिल रही है, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान, जूम डाउट सेशन, ये सब कुछ मिल रहा है, वो भी सिर्फ 799 में। अगर आप कोड उपयोग करते हो सीईटी 60 कोड को अप्लाई करने पर आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, बायोलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई क्या हो जाता है? तो आप क्या कह देंगे? आप कह देंगे मैम मस्का डोमेस्टिका क्या है? मस्का डोमेस्टिका है हमारी घरेलू मक्खी का नाम। होमो सेपियंस कौन है? तो होमो सेपियंस सेपियंस हम लोग हैं। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट देखिए। तिलचट्टों में श्वसन डैश के माध्यम से होता है, जल्दी से बताइए। तिलचट्टे जो कॉकरोच होते हैं उनके उनके अंदर जो श्वसन होता है वो किसके माध्यम से होता है? जल्दी से बताइए किसके माध्यम से उनके अंदर श्वसन प्रक्रिया होती है? अरे आज तो बड़े दिनों बाद आया है रोहित हमारा क्लास में। चलिए, अच्छा कल जो है मेरी क्लास यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन दीपा मैम फिजिक्स के क्वेश्चंस लेके आएंगे, बहुत ही बेहतरीन। तो सभी बच्चों को क्या करना है? दीपा मैम की क्लास में जरूर जाना है पढ़ने के लिए। ठीक है बेटी, चलिए तो यहाँ देखो, कॉकरोचेस जो होते हैं उनमें रेस्पिरेशन किसके माध्यम से होता है? तो आंसर क्या कर दोगे मैम? जो श्वास रंध्र होते हैं जिनको हम स्पिरेकल्स कहते हैं, उन्हीं के माध्यम से क्या होता है? जो कॉकरोचेस है वो सांस ले पाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, डैश इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स का सबसे बड़ा फाइलम, सबसे बड़ा संघ कौन सा है? अच्छा डेली आते हो बेटा, पता नहीं, आप तो आज मुझे दिखाई दियो बहुत दिनों बाद। चलो कोई बात नहीं, हमको नहीं दिखाई दिए होंगे। चलो ओके ओके, हाँ ब्रीड पोस्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है कि मैम लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कौन सा है? नेमाटोडा है, आर्थ्रोपोडा है, एनालिड है, मोलस्का है। तो अब देखिएगा, सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे ना बायोडाइवर्सिटी की बात की गई है कि एक से ज्यादा प्रकार के जीव और ज्यादा संख्या में, इनमें से कौन होते हैं? तो कहना आर्थ्रोपोडा होते हैं मैम। कौन होते हैं? आर्थ्रोपोडा सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है? दूसरे नंबर पे मोलस्का आ जाते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम हमको कौन मिल जाता है? आर्थ्रोपोड्स मिल जाते हैं, सॉरी मोलस्क मिल जाते हैं। तो फर्स्ट कौन हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा
आर्थ्रोपोडा, सेकंड हो जाएगा मोलस्क। अच्छा ओहो ओके ठीक है रोहित जोगी, चलिए ओके। हाँ बबली, चलो आंसर करो यहाँ पे इस क्वेश्चन का। चलिए क्या आंसर हो जाएगा कि मैम इनमें से किसके सबसे ज्यादा पांव पाए जाते हैं? चलो जल्दी से बताओ किसके सबसे ज्यादा पांव पाए जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो यहाँ देखिए, मकड़ी यानी कि स्पाइडर, सहस्त्रपाद यानी कि मिलीपीड, गोजर यानी कि सेंटीपीड, व्याध पतंग यानी कि हंसमेंट काइट। अरे मैंने इसका चित्र लगाया था, कहाँ गया? चलो कोई नहीं, चित्र तो मिला नहीं, हमें ही बनाना पड़ेगा। देखो पहली चीज तो पीड़, पीड़ शब्द जो होता है ना, पीड़, इस पीड़ का मतलब ही क्या है? पीड़ का मतलब ही है आपका पैर, ठीक है? तो भाई आप लोगों ने कान खजूरा आदि देखा होगा, है ना? कान खजूरा और गोजर, ये सब जो है ना गांव में अक्सर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, ऐसे ही कुछ जीव होते हैं जिनके इतने हमें क्या मिलते हैं, पैर मिलते हैं। जैसे अगर कुछ बच्चे मकड़ी आंसर करते हैं, बेटा मकड़ी के कितने मिल जाएंगे? 8 पैर मिल जाएंगे इनके, हंड्रेड्स ऑफ पैर पाए जाते हैं। देखो सहस्त्रपाद और गोजर में फर्क देखिए, ये दोनों के आर्थ्रोपोडा फैमिली से हैं। मान लीजिए ये मैंने सहस्त्रपाद बनाया, इसके अंदर 5 खंड है, और ये मैंने गोजर बनाई, इसके अंदर भी 5 खंड है। तो ये जो गोजर होगी ना, इसके पास 2 पैर होंगे, एक उस पे, ठीक है? ये हो गई गोजर, ये हो गई गोजर यानी कि सेंटीपीड। अच्छा इधर अगर मैं बात करूं, इधर आपको हर खंड पे 2 जोड़ी पैर मिलते हैं। तो अब आप मुझे खुद बताइए इनमें से किसके पास ज्यादा पैर होंगे, मिलीपीड के पास कि सेंटीपीड के पास? मिलीपीड के पास या सेंटीपीड के पास किसके पास ज्यादा पैर हुए? तो आप कहोगे मैम मिलीपीड को नाम ही मिला मिलियंस से, ठीक है, और जो सेंटीपीड है उसको मिला सेंट से, ठीक है? तो मिलियंस और सेंट्स में से कौन बड़ा है? तो कहोगे मिलियन बड़ा है। तो इसी वजह से यहाँ पे सहस्त्रपाद आंसर हो जाता है, या मिलीपीड सही आंसर हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, अच्छा अगला क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का कि ये जो आपके जीव है इनमें से कौन से सोशल इंसेक्ट नहीं है? सोशल इंसेक्ट का मतलब क्या है? कि वो ग्रुप में नहीं रहते हैं, उनको सोशलाइजेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या आंसर करोगे जल्दी से बताओ, इनमें से किसको सोशलाइजेशन बिल्कुल पसंद नहीं है? मधुमक्खी, झिंगुर, दीमक या चींटी? अच्छा ये चलो इतना इजी सवाल, जल्दी से बताओ, चलो क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर करेंगे आप लोग? आप कहेंगे कि मैम सोशल इंसेक्ट की यदि हम बात करते हैं तो मधुमक्खी हमेशा ग्रुप में रहती है, मधुमक्खी हमेशा ग्रुप में रहती है। श्रिंप जो होता है, जो झिंगूर होता है, रात को बोलता है ना झिंगूर, तो आप ये सोचिए अगर रात को एक मतलब एक झिंगूर आ जाता है वो कितना परेशान करता है। सोचो अगर ये ग्रुप में रह रहा होता तो हमारा तो जीना आराम कर देता है ना। तो यहाँ पे वैसे ही हम अपने खुद के डेली ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं कि झिंगूर जो है वो ग्रुप में नहीं रहता है। टर्माइट जो दीमक है वो ग्रुप्स में रहती है, एक टर्माइट कभी नहीं मिलेगी, यू विल हैव मेनी टर्माइट्स टुगेदर इन योर लकड़ी का सामान, ठीक है? अच्छा चींटियां भी क्या है, ये भी सोशलाइज एनिमल होते हैं। अच्छा हाँ एक और क्वेश्चन यहाँ, चींटी जो होती है इसकी स्टडी क्या कहलाती है? मरमेकोलॉजी। मरमेकोलॉजी क्या कहलाती है बेटे? मरमेकोलॉजी कहलाती है, ठीक है जी। अच्छा और अगर हम यहाँ पे हनी बी की बात करें, अगर मुझे इसका पालन करना होगा मधुमक्खी का, तो इसको हम एपिकल्चर कहते हैं। तो अगर मुझे इसकी स्टडी करनी होती तो क्या कह देती? एपिलॉजी कह देती। क्या कह देती? एपिलॉजी कह देती, ध्यान रखोगे। और दीमक जो होती है ना, इसको व्हाइट एंट कहते हो, सफेद चींटी कहते हो आप इसको, व्हाइट एंट यानी कि सफेद चींटी के नाम से जानी जाती है आपकी कौन? दीमक। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? ओ भाई साहब, दांत वाला कीड़ा कौन है? चलो जल्दी से बताइए, देखिए जरा किस कीड़े के दांत होते हैं। विच इंसेक्ट हैज टीथ? बताइए, मधुमक्खी के हैं, मक्खी के हैं, तितली के हैं, या ततैया और भौरों के हैं? बहुत ही बेहतरीन सवाल,
डी, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। जो इनमें से ततैया और भौरे होते हैं, इनमें क्या होता है, इनके अंदर दांत पाए जाते हैं, ठीक है, इनके अंदर दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द पाउडरी मोलस्का ग्रुप? सेल है, एंटीडोन है, ऑक्टोपस है या कैटन है? जल्दी से बताइए। साथ साथ ध्यान रखिएगा सभी बच्चे की, यदि आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश स्पेशल का बैच ले सकते हैं अनिल सर का, जहाँ पे एसएससी हरियाणा और अदर एग्जाम्स के लिए तैयारी कराई जा रही है। लाइव क्लास, क्लास पीडीएफ, बुक या पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टडी प्लान, डेली प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट और डाउट सेशन, ये सब चीजें आपको मिल रही है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आपका बैच है आपको 599 में कब मिलेगा? जब आप अनिल 50 कोड को लगाएंगे, जब आप अनिल 50 कोड को लगाते हो, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या था अपना क्वेश्चन नंबर 25 था शायद, 26, 27 का क्वेश्चन था। हाँ, तो आप देखिए इनमें से कौन सा मोलस्का ग्रुप से नहीं है? बेटा घोंघा मोलस्का ग्रुप से है। एंटीडोन, एंटीडोन जो होता है ना, ये क्या है, ये इकाइनोडर्मैट है, इकाइनोडर्मैट है, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? एंटीडोन इसका सही आंसर हो जाता है, इकाइनोडर्मैट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा मोलस्क परिवार से संबंधित है? कॉकरोच, स्नेल, अर्थवॉर्म या स्टारफिश? कॉकरोच, के स्नेल, अर्थवॉर्म या फिर स्टारफिश, क्या आंसर हो जाएगा? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मैम इनमें से ना जो कॉकरोच होता है, ये तो हमारा क्या हो जाता है, ये तो इंसेक्ट हो जाता है, ठीक है। स्नेल जो है ये मोलस्क हो जाता है, और मोलस्क की आपसे पूछा है तो आंसर मोलस्क हो जाता है। केचुआ क्या बेटा? केचुआ जो होता है ये आपका एनेलिटा हो जाता है, और जो स्टारफिश है ये काइनोडर्मेट हो जाता है। तो यहां देखो इन सबके नाम लिख लीजिए कौन से है, ये आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा, ये कौन हो जाता है, ये है एनेलिड, एनेलिडा, ये है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। अच्छा नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड ऑफ ऑक्टोपस? ऑक्टोपस जो होता है उसके ब्लड का कलर क्या है? ऑक्टोपस के ब्लड का कलर क्या है? तो आप क्या कहेंगे, मैडम रॉयल फैमिली का मेंबर है ये, इसका ब्लड ब्लू होता है, ठीक है, ही हैज ब्लू ब्लड, ठीक है। क्या है इस अंग्रेजी की कहावत का उत्तर बताना जरूर, ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये जो ब्लू ब्लड है क्यों है, क्योंकि इसके पास हीमोसियानिन पाया जाता है, हीमोसियानिन पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है बेटा, हीमोसियानिन इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? बताइए। चलो ये क्वेश्चन हम होमवर्क में देते हैं आपको, और अगली जो क्लास होगी ना वो अगेन क्लासिफिकेशन से होगी, और उस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का आंसर हम उस क्लास में देखेंगे, ठीक है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको क्लास में कोई दिक्कत हुई हो, कोई सवाल अगर रह गया हो या समझ ना आया हो तो पूछ लेना। और पता है ये जो जीव है ना, ये बहुत ही नाजुक सा, बहुत ही छुटकू सा जीव होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हमको कुछ एक स्ट्रक्चर मिलता है, जो इसकी खास पहचान है। इसके दो ऐसे एंटीने से होते हैं, रेंग के चलता है। काफी सारे ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं, तो सॉरी हिंट्स दे दिए हैं, तो अब देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करेंगे। चलिए, तो जो है ना, अब कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर एंड करते हैं सेशन को, और अगली क्लास हम यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलो जल्दी से बताएंगे। चलिए, तो ये होमवर्क क्वेश्चन आपका यहीं पे विराम देंगे, मतलब ये होमवर्क क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, और साथ साथ ध्यान रखना हरियाणा सीईटी की आप इस बात से जुड़ सकते हैं अपनी अच्छी तैयारी के लिए, कि मैडम ये जो सब चीजें हैं ये तो चलो आपने क्वेश्चन से करा दिया तो हो गया, लेकिन अगर हमको पढ़ना हो तो हम क्या करें, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे दोपहर को 2 बजे मेरी क्लास वहां पे होती है, एंड आई जस्ट होप सो आप सभी बच्चे भी उस बैच के अंदर जुड़ चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।